सवाई माधोपुर जाती है। पिछली बार दौसा आई थी, दौसा से भी सवाई माधोपुर गई। ये राजस्थान में कहीं पे भी जाती है, सवाई माधोपुर जब जरूर जाती है। हम ये जानना चाहते हैं, सचिवालय की अलमारी तो पकड़ी गई, ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? कौन कौन लोग बार बार सवाई माधोपुर जा रहे हैं? वहां किस चीज का संरक्षण करना है? क्या चीज आप बार 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 जाके देखना चाहते हो कि सुरक्षित है? ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? चुनाव से पहले ये जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये बता दे कि प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर जाए या प्रियंका गांधी जी यूपी जाए, बिहार जाए, बंगाल जाए, मणिपुर जाए, प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की बेटी है। वो हिंदुस्तान की बेटियों से आप डरते बहुत ज्यादा हो। महिला आरक्षण देते नहीं हो। जब बेटियां निकलती है चुनौती देने के लिए, चैलेंज देने के लिए, तो बीजेपी वालों को तो फोबिया हो गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। इनके चेहरे और इनकी आवाज से बीजेपी को पता नहीं बुखार हो जाता है। जहां भी प्रियंका गांधी जाती है, बोलती है, तो राहुल गांधी की जिद, राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी के मुद्दे, प्रियंका गांधी के विचार, इनसे बहुत होचपोच हो रही है। क्या बीजेपी की जमीन खिसक रही है? झूठ बोलकर बीजेपी 9 साल से सत्ता में रह ली। अब जब प्रियंका गांधी देश में द्वारे पर निकलती है, राहुल गांधी निकलते हैं, तो बीजेपी इतनी ओछी टिप्पणियां करती है, इतनी ओछा ओछी बोलती है कि लोगों में रिएक्शन खड़ा हो गया है। अब रणथंभौर जा रही है प्रियंका गांधी, 3 दिन रुक रही है, 4 दिन रुक रही है, तो ये सर्टिफिकेट इनसे लेके जाएंगे क्या? अगली जा रही है, अगले को फॉरेस्ट की पसंद है, जंगल पसंद है, वाइल्ड लाइफ से प्रेम करती है, तो अच्छी बात है ना, इसी से तो वाइल्ड लाइफ सुरक्षित होगी। बीजेपी वालों के पास तो उनकी नीयत काली है और उनको सोना ही सोना दिखता है। दिन भर बीजेपी वालों को सोना चाहिए, नोटों की गड्डियां चाहिए, दिन भर ये दिखता रहता है। वो सोना छुपा हुआ है। यदि सोना छुपा हुआ रणथंभौर में, तो बीजेपी वाले तो खुद ही खोद के निकाल लेते, हमें जाने देते क्या?